नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में बड़वानी की दो नवगठित नगर परिषद में चुनाव होगा। निवाली बुजुर्ग और ठीकरी के 15-15 वार्डों में पार्षद प्रत्याशी अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। निवाली बुजुर्ग नगर परिषद की करें तो ये 5 ग्राम पंचायतों को मिलकर बनाई गई है। निवाली बुजुर्ग में कुल 13,082 वोटर्स हैं, जिनमें 6,381 पुरुष और 6,700 महिला वोटर्स शामिल हैं। और यहाँ अध्यक्ष पद के लिए सीट एसटी महिला सीट आरक्षित हुई है। वार्ड क्रमांक 3 में कांग्रेस प्रत्याशी, वार्ड नंबर 11 में बीजेपी समेत निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। इससे पहले निवाली जब ग्राम पंचायत था तब तुलसी दरबार से सोदिया सरपंच थी और नवगठित नगर परिषद बनने के बाद वो वार्ड नंबर 11 बीजेपी प्रत्याशी बनाई गई है। वही नगर परिषद के लिए बीजेपी ने वचन पत्र भी जारी किया है। मैंने जो कार्य किया कि गांव में कुटीर, सीसी रोड और अन्य दूसरे कुएं, ऐसा सब काम करा मैंने और सेवा भी की, उसी उम्मीद के साथ वापस मैदान में उतर रहा और कांग्रेस पार्टी से मेरे को टिकट मिली, जीत के बताऊं। आपने इतना जो कार्य किया, इसके बाद फिर आप जनता के बीच में आशीर्वाद लेने के वोट के रूप में जाए हैं, तो कितना सहयोग मिल रहा है, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है? सहयोग मिलेंगे तो और काम करूंगी। अच्छा मिलेगा, जन समर्थन मिल रहा है, अच्छा जन समर्थन, अच्छा सभी का साथ मिल रहा है, सभी का साथ मिल रहा है। क्या उपलब्धि, कौन से कार्य रह गए जो करना है आपको? बाकी काम है और करूंगी। मुख्यमंत्री जी ने ये सौगात दिए निवाली को नगर पंचायत बनाकर कि इस शहर की जो मूलभूत समस्या है, जो यहाँ की छोटी मोटी बातें जो आप सब ने कही है, इन सारे कामों को प्रदेश में सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी के माध्यम से हम हल कराएंगे। ये तो प्रजातंत्र है, हर किसी को अपना अधिकार है कि वो चुनाव मैदान में आए और अपना चुनाव जीते। वैसे हमारी पार्टी के वरिष्ठों ने जो आशीर्वाद दिया है, उस प्रकार से हमने पंजे कर, जो हमारे उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के, वो बहुत सशक्त और मजबूत है और मैं रोज देख रही हूँ, रोज जा रही हूँ, हमारे पार्टी का झंडा ऊपर है और जीतेंगे मेरे सारे प्रत्याशी और हम नगर पंचायत बनाएंगे।